नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे शेयर के बारे में जो आपको आगे चलकर के भर भर के बोनस दे सकता है, और पीछे भी ये दिया है। ऐसी ही कंपनियां हैं जिसे आप जानते भी हैं कि ये कंपनियां आपको भर भर के बोनस देती है। तो चलिए, कैसे इन सारी बातों को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, कैसे आपको बोनस शेयर भर भर के आगे देने वाली है, मतलब इतना बोनस शेयर देगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, 5 साल में आप 5 साल से मैक्सिमम की ही बात करें, 5, 10, 15 साल, तो इसमें आपको भर भर के ये बोनस देने वाली है। इतना बोनस देगा कि बोनस के रूप में एक मल्टी बैगर रिटर्न आप इससे प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले देख लीजिए, ये 15 जुलाई का इसका क्वार्टरली रिजल्ट आया था, और इसका डिविडेंड देखिए, डिविडेंड भी कितना शानदार है, 190% 2020 में 190% मई 29 को, और इसका जो फेस वैल्यू है 5 का है, तो 5 × 190% मतलब आप समझ जाइए कितना हो गया, 9 रुपया पर शेयर डिविडेंड। साथ ही साथ 2019 में देख सकते हैं तीन बार, मतलब डिविडेंड इसका इतना शानदार है कि आपको हर शेयर पे कम से कम तो 20 रुपया हर साल डिविडेंड पे करती है, और बोनस भी भर भर के। ऐसा रिटर्न कहाँ मिलेगा, डिविडेंड के रूप में रिटर्न कितना का, 4 से 5% का डिविडेंड यील्ड है, 3% कम से कम कहिए, 3% अगर आप गिरावट में खरीदे होते 5% का डिविडेंड यील्ड होता, तो 5% का डिविडेंड यील्ड मतलब एफडी पे जितना ब्याज प्राप्त करते हैं उतना आपको डिविडेंड के रूप में। दूसरी बात, बोनस 2018, 2015, 2014, 2006, 2004, अब बताइए आप इतना बोनस और जितना आप एफडी पे ब्याज प्राप्त करते हैं ना, उतना तो ये रिटर्न देता है किसके रूप में, डिविडेंड के रूप में। गिरावट में अगर आप खरीदे होते, अभी तो ये स्टॉक्स 50% रिटर्न, मतलब 100% रिटर्न दे चुका अपने गिरावट से, अप्रॉक्स 90%, मतलब 100% तो नहीं कह सकते, 90% तक रिटर्न दे चुका है। तो इतना बेहतरीन शेयर, और स्टॉक स्प्लिट देखते हैं, फेस वैल्यू 5 है ना, तो 5 रुपया का फेस वैल्यू है, और डिविडेंड आपने देखा है कितनी शानदार देती है ये कंपनी। वैल्यूएशन 3,85,000 करोड़ का मार्केट कैप, मतलब एक ब्लू चिप कंपनी। आप ब्लू चिप कंपनी में आप बोलेंगे ग्रोथ तो होगा नहीं, डिविडेंड आपको मिलेगा, ब्लू चिप कंपनियां अक्सर डिविडेंड देती है लेकिन ग्रोथ नहीं होगा। तो दोस्तों बता दें, यह टेक्नोलॉजी कंपनी है, आगे टेक्नोलॉजी का बूम होना और बाकी है, तो काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ की संभावना है आगे इसमें। उसके बाद पी रेशियो 24 का और 22 का इंडस्ट्री का, तो पी रेशियो थोड़ा सा महंगा है, और सारी चीज़ें यहाँ पर देखते हैं। प्राइस टू बुक वैल्यू 6 का है, अपने बुक वैल्यू से मात्र 6 रुपया, मतलब 6 गुना है, मतलब 1 रुपया बुक वैल्यू के लिए 6 रुपया प्राइस देने के लिए इन्वेस्टर तैयार है। तो ये सारी चीज़ें आपने देख लिया, फाइनेंशियल भी देख लीजिए, कंपनी का रिजल्ट कितना बेहतरीन है। यहाँ पर देख लीजिए, नेट प्रॉफिट 4,272 करोड़, और जबकि पिछले बार कितना था, 4,335 करोड़, तो कुछ खास फर्क जून क्वार्टर पे भी नहीं पड़ा है। ईयर ऑन ईयर बेसिस देखेगा तो भारी जंप है प्रॉफिट में, देखते हैं 3,800 करोड़, तो काफ़ी जंप है। उसके बाद सेल्स देख लीजिए, सेल्स में भी देख सकते हैं कांस्टेंट रहा है सेल्स, थोड़ा सा इंक्रीज भी हुआ है, मतलब थोड़ा सा सेल्स इंक्रीज हुआ है, प्रॉफिट भी ईयर ऑन ईयर बेसिस इंक्रीज हुआ है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस थोड़ा सा मतलब फ्लैट रहा, एक तरह से कहिए फ्लैट, तो कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा है इतना बड़ा पैंडमिक सिचुएशन का। तो ऐसी कंपनियाँ आपको कहाँ मिलेगी, ऐसी कंपनियों में क्यों ना इन्वेस्ट करना, क्यों आप पेन स्टॉक में पढ़ते हैं, पेन स्टॉक 4 रुपये का स्टॉक 10 रुपया हो गया, 4 रुपये का स्टॉक 15 रुपया हो गया, लेकिन फिर से वो 15 रुपये से कहाँ वापस आके 4 रुपया पे। अगर आपने प्रॉफिट बुक कर लिया 15 रुपया पे तो ठीक, नहीं तो आप फिर वहीं के वहीं हैं। लेकिन इस स्टॉक में आपको हम दिखाएंगे लॉन्ग टर्म चार्ट पे भी काफ़ी बेहतरीन रिटर्न, शॉर्ट टर्म चार्ट पे भी बेहतरीन रिटर्न, तो ऐसे कंपनियों में ही आपको इन्वेस्ट करनी है। उसके बाद इसके बैलेंस शीट को देख लेते हैं, बैलेंस शीट भी काफ़ी ज़बरदस्त है। तो दोस्तों ये देख सकते हैं, यहाँ पर कंपनी का बैलेंस शीट पर रिजर्व है 60,000 करोड़ का, तो इतना बेहतरीन रिटर्न। मार्च देखते हैं 20 में रिजर्व जो है काफ़ी ज़्यादा है, ये 19 है 18 है, तो रिजर्व थोड़ा सा कभी डिक्रीज कभी इंक्रीज, लेकिन रिजर्व काफ़ी ज़्यादा है कंपनी के पास, इसीलिए तो ये बोनस देती है। बहुत जगह बहुत बार हमसे डेप्ट बोला जाता है, तो डेट है यहाँ, डेट बिल्कुल जीरो है, मतलब कर्ज जो है पूरी तरह से जीरो है, तो थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में कभी कभी दिक्कत होता है, डेट जो है कंपनी के ऊपर बिल्कुल जीरो है, कोई भी डेट कंपनी के ऊपर नहीं है। उसके बाद कैश और बैंक बैलेंस कंपनी के ऊपर 13,000 करोड़ का कंपनी के पास कैश और बैंक बैलेंस, थोड़ा सा कैश और बैंक बैलेंस देख सकते हैं डिक्रीज हो रहा है स्लोली। उसके बाद नेट करेंट एसेट देख लीजिए कंपनी का, नेट करेंट एसेट इसमें भी थोड़ी सी गिरावट,
बुक वैल्यू कंपनी का देख लीजिए, इसमें भी थोड़ी सी गिरावट, लेकिन ओवरऑल कंपनी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मेक कर रही है। मतलब इस थोड़ी सी गिरावट से कंपनी के फंडामेंटल्स पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। उसके बाद आपको जो सारे रेशियो है जो आपको बताता है कंपनी अभी कैसा अर्निंग कर रहा है, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है देखना। तो चलिए हम यहाँ नीचे आते हैं, तो ये देखते हैं मार्च 19 18। तो मार्च 20 में 36 रुपया पर शेयर का अर्निंग पर शेयर हुआ है, 19 में 33 था, मार्च 18 में 71 रुपया था। तो यहाँ पर अर्निंग पर शेयर थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है, लेकिन इस साल उम्मीद है कि अर्निंग पर शेयर बढ़ जाएगा इस कंपनी का। तो थोड़ा सा अर्निंग पर शेयर में डिक्रीज हुआ था। उसके बाद रिटर्न ऑन इक्विटी 24%, मतलब एक तरह से कहें 20% मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी बढ़ा है कंपनी का। और कैपिटल एम्प्लॉयमेंट, जो कैपिटल एम्प्लॉय करता है अपने बिजनेस के लिए, देखते हैं उस पे भी रिटर्न काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है, 31% तक जा पहुंचा है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। उसके बाद रिटर्न ऑन एसेट देखते हैं 18% 19%, रिटर्न ऑन एसेट भी काफ़ी इंक्रीज हुआ है। तो सारे पैरामीटर्स काफ़ी बेहतरीन। उसके बाद जो सबसे बड़ा चीज़ होता है डेप्ट इक्विटी रेशियो, वो भी काफ़ी जीरो, बिल्कुल जीरो है डेप्ट इक्विटी रेशियो, तो काफ़ी सारी चीज़ बेहतरीन है। तो आपको देखना है CAGR इसका कितना है, मतलब कंपाउंड एनुअल ग्रोथ कंपनी का कितना है, और उसके बाद इसमें इन्वेस्ट करने से मत चूकना है, क्योंकि ऐसी बेहतरीन कंपनियां आपको बिल्कुल भी बहुत ही कम स्टॉक मार्केट में देखने मिलेगी। तो बहुत ही बेहतरीन कंपनी है, तो ऐसे कंपनियों के नाम जानने के बहुत ही इच्छुक होगी, वो कोई और नहीं बल्कि इन्फोसिस है। तो दोस्तों इन्फोसिस, विप्रो, सिप्ला, ये सब जो है स्टॉक मार्केट की सबसे ज़्यादा बोनस शेयर देने वाली कंपनी है। पहला विप्रो, दूसरे नंबर पर है हमारा सिप्ला, उसके बाद है हमारा इन्फोसिस। बहुत सारे लोग दूसरे नंबर पर इन्फोसिस को ले लेते हैं, नहीं, सिप्ला जो है दूसरे नंबर पे है। सिप्ला के रिटर्न को भी हमने दिखाया था आपको एक वीडियो में कि सिप्ला विप्रो के बाद दूसरी कंपनी है जो कि 250 करोड़ का रिटर्न दिया है मात्र 10,000 के इन्वेस्टमेंट पे, और विप्रो दिया है 500 करोड़ से ज़्यादा का रिटर्न। तो उससे आधे पे है सिप्ला, लेकिन कभी भी आगे निकल सकता है, क्योंकि अभी देख सकते हैं फार्मा स्टॉक में काफ़ी तेजी देखने मिला है। और तीसरे नंबर पे हमारा आता है इन्फोसिस। तो इन्फोसिस में आगे भी ग्रोथ की काफ़ी संभावना है, तो इसलिए जरूर इन्वेस्ट कीजिए जब भी गिरावट में मिले। अब इसके हम लॉन्ग टर्म चार्ट, शॉर्ट टर्म चार्ट दोनों की बात करेंगे, और उस पर क्या बताता है हमारा शेयर का प्राइस, किस प्राइस पे आपको इन्वेस्ट करनी चाहिए और किस प्राइस पे जाएगा तो ये बोनस शेयर आपको दे सकता है। तो दोस्तों हम आ चुके हैं यहाँ पर जीरोधा के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर। जीरोधा एक बेहतरीन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर आप अपना डीमैट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट अवश्य ओपन कीजिए, क्योंकि यह सबसे बड़ा डिस्काउंट ब्रोकर है। यहाँ पर आपको इंट्राडे पे मात्र 20 रुपये का मैक्सिमम चार्ज लगता है, और डिलीवरी बिल्कुल फ्री है। और सबसे ज़्यादा है कि ये ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है, अभी डिस्क्रिप्शन में देंगे लिंक से जाइए और अभी अकाउंट ओपन कीजिए और ट्रेडिंग स्टार्ट कीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये इन्फोसिस, इसमें एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट देखने मिला है, क्योंकि जो मार्केट का एस्टिमेट था कि इसका रिजल्ट इतना इफेक्टेड होने वाला है, लेकिन वैसा कोई इफेक्ट देखने नहीं मिला रिजल्ट पे, जिसके बाद मार्केट का जो इस पर रिएक्शन है काफ़ी पॉजिटिव था। और एक ही दिन में ये 100 रुपया के गैप अप ओपन हुआ, देखते हैं 100 रुपया का गैप अप ओपन हुआ, गैप अप ओपनिंग। तो ऐसे बहुत कम चांसेस मिलते हैं देखने के कि 100 रुपया जो है, जो स्टॉक 800 का, वो डायरेक्ट 900 पर ओपन हो, जिसको काफ़ी अंडर एस्टिमेट किया जा रहा था इस स्टॉक को। तो देखते हैं 100 रुपीज़ का गैप अप ओपनिंग है इस स्टॉक में। और RSI देखिए, यहीं से स्ट्रेंथ दिखा दिया था RSI, देख सकते हैं। मतलब मार्केट को पहले से पता था कि इसका रिजल्ट काफ़ी आउटस्टैंडिंग, मतलब काफ़ी बेहतरीन आने वाला है। और यहाँ पर देखते हैं ओवर बाउट होने का सिग्नल दे रहा है RSI। तो अब RSI में अगर वीकनेस आता है, तो अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पर लिया था तो प्रॉफिट बुक कर लेना है। अगर लॉन्ग टर्म के लिए आपने 800 से नीचे लिया था तो उसको बिल्कुल होल्ड करना है। अगर कभी भी प्राइस आपको 800 से नीचे मिलता है तो उसमें आप बाय ऑन डिप्स करना है, क्योंकि ऐसे बेहतरीन स्टॉक्स यहाँ पर जो भी नहीं खरीदा, देखते हैं 600 के आसपास यहाँ पर आया था स्टॉक्स, यहाँ पर आपको बाइंग इसमें करने का बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। ये देखते हैं 500 तक ये स्टॉक्स आ चुका था, तो बहुत ही बेहतरीन स्टॉक्स है। तो ऊपर का टारगेट इसमें बात करें तो ये 1,000, 1,100, 1,200, 1,300, 1,400 तक जा सकता है। अगर आपको 1,100 से ऊपर जाता है तो बोनस शेयर इसमें देखने मिल सकता है।
तो कब जाएगा, इसमें टाइम लगेगा। और जब बोनस शेयर के लिए बाय करते हैं तो उसमें आपको फ़ायदा नहीं, ग्रोथ के लिए बाय करना है, बोनस तो अपने आप मिलेगा। आप किसी भी कंपनी में बाइंग करते हैं तो ग्रोथ के लिए जाना है, उसके बिजनेस के ग्रोथ को, मतलब कंपनी को सेलेक्ट करना है, कंपनी जिसमें ग्रोथ हो, कंपनी जो प्रॉफिट मेक करके देती हो, कंपनी जो डिविडेंड देती हो शेयर होल्डर को। अब बोनस तो अपने आप आपको मिलेगा, तो बोनस तब फायदा करता है जब आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए तो उसी रेशियो में, जिस रेशियो में बोनस देगा उसी रेशियो में प्राइस कम हो जाएगा, तो शॉर्ट टर्म में बोनस फायदा नहीं करता है। तो बहुत सारे लोग होते हैं जब बोनस अनाउंस होता है तब बाय करते हैं, तो उस समय कोई फायदा होने वाला नहीं है। नीचे का लेवल की बात करें तो इसका जो सबसे बड़ा मतलब नीचे का सपोर्ट होगा 700 होगा। 700 के लेवल को हमें नहीं लगता है अब ये स्टॉक ब्रेक करने वाला है, 700 के लेवल को ब्रेक करने वाला है ये स्टॉक, हमें ऐसा नहीं लगता है। अगर ब्रेक करता है तो हम खुद इसमें काफ़ी मतलब ह्यूज क्वांटिटी में बाइंग करेंगे जब भी ये 700 के लेवल को ब्रेक करेगा। ये तभी होगा जब अगले क्वार्टर का रिजल्ट प्रभावित हो या मार्केट में बहुत बड़ा फॉल आए, बहुत बड़ा मार्केट क्रैश हो जाए, तभी जाकर कि आपको 700 के नीचे मिल सकता है। तो ये था इसका शॉर्ट टर्म का लेवल्स और सपोर्ट, मतलब जो नीचे का है सपोर्ट 700, इसका सबसे मेजर सपोर्ट है, उसके ऊपर नीचे ये आता जाता रहेगा। लेकिन 700 के आसपास या 700 के नीचे मिलता है तो निश्चित आपको इन्वेस्ट करने से मत चूकना है। और ऊपर की बात कर रहे तो आपको बता ही दिया कि 1,000, 1,100, 1,200, 1,300, 1,400 जाने तक का क्षमता रखता है ये स्टॉक्स, मतलब 1 ईयर में 2 ईयर में, तो काफ़ी पोटेंशियल है इस स्टॉक में। अभी बाइंग करने का इसमें कोशिश ना करें, थोड़ा सा वेट करें कि इसमें आगे तेज़ी आता है या इसमें थोड़ा सा करेक्शन देखने मिलता है, क्योंकि मार्केट का जो डायरेक्शन है हमारा, हमारा जो स्टॉक मार्केट है उसमें हो सकता है करेक्शन आए, क्योंकि चारों तरफ का जो सिचुएशन हमारा काफ़ी ख़राब है। लेकिन इस स्टॉक में काफ़ी कम गिरावट अब देखने आपको मिलेगी, जैसे ये स्टॉक हो गया, रिलायंस हो गया, इन सब में बहुत कम गिरावट आपको देखने मिलेगा। अब हम इसके लॉन्ग टर्म चार्ट की बात करेंगे, लॉन्ग टर्म चार्ट पे कैसा रिटर्न दिया है इस स्टॉक ने, कितना बेहतरीन रिटर्न दिया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं अभी जो करेंट प्राइस है इन्फोसिस का 905 रुपीज है, और 5 रुपया डाउन था ये, मतलब काफ़ी ज़्यादा तेज़ी इसमें देखने मिला था, लगभग 100 पॉइंट से अधिक का रैली देखने मिला था, उसके बाद थोड़ा सा करेक्शन आया इसमें। उसके बाद 1 मंथ में देखिएगा तो ये काफ़ी बेहतर रिटर्न दिया है, 1 मंथ में आप देख लीजिए 28% का रिटर्न दिया अपने इन्वेस्टर को। 1 ईयर में देखिएगा तो 1 ईयर में भी ये अच्छा खासा रिटर्न दिया है इन्वेस्टर को, मतलब जो भी इन्वेस्ट किए हैं इसमें सब के सब को कुछ ना कुछ रिटर्न मिला है, 15% रिटर्न। और मैक्सिमम ईयर में देखिएगा तो काफ़ी बेहतरीन स्ट्रॉन्ग चार्ट देख सकते हैं, मतलब मैक्सिमम ईयर में अगर हम बात करें तो 7,714% का रिटर्न, तो 7,000% से भी अधिक, मतलब 8,000% के अप्रॉक्स ये रिटर्न दिया है। और बता दें आपको ये बोनस के रूप में भी काफ़ी बेहतरीन रिटर्न दिया है, डिविडेंड के रूप में एफडी के इतना रिटर्न दिया है, एफडी के बराबर रिटर्न, अगर आप कभी जो है गिरावट में बाय किए होंगे तब, अगर आप अभी बाय करेंगे तो मात्र आपको 2% देख सकते हैं रिटर्न मिलेगा डिविडेंड के रूप में। लेकिन अगर आप यहाँ पर बाय किए तो आधे प्राइस पर आप इसका 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4% का डिविडेंड के रूप में रिटर्न, मतलब एफडी के बराबर। तो ये था एक बेहतरीन कंपनी जिसमें अगर किसी ने इन्वेस्ट नहीं किया है तो आप ज़रूर इन्वेस्ट करें, हर गिरावट पे इन्वेस्ट करें, कभी भी अभी हाई लेवल पे इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि अभी ये बहुत ही ज़्यादा अपने 52 वीक हाई पर चल रहा है, तो थोड़ा सा गिरावट का वेट करें, करेक्शन का वेट करें, फिर इन्वेस्ट करें। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना है, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियो अगर आप देखते चाहते हैं आगे भी तो सब्सक्राइब करके चैनल को, बगल के बेल आइकन को दबाना है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।